वेलकम टेक जेनी चैनल पे आपका वेलकम है। अगर आपके पास भी व्हाट्सएप का ओटीपी नहीं आ रहा, मेरे पास भी यही सेम मसला आ रहा था। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, किसी काम की नहीं थी, तो मैंने खुद अपनी रिसर्च से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स निकाली। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ आपका अकाउंट भी बन जाएगा, तो सोचा आज आप लोगों के साथ भी यही आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर दूँ। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले अपने प्ले स्टोर या जो एप्पल स्टोर है तो एप्पल स्टोर से आपने सबसे पहले सुपर वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। मैं यकीन के साथ कहती हूँ इस वीडियो में आपका एक सेकंड भी ज़ाया नहीं होने वाला। अकाउंट आपका व्हाट्सएप बनवाना मेरी जिम्मेदारी है और वीडियो को पूरा देखना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका अकाउंट जो है 110% जो है वो बन जाएगा, बल्कि लाइव तरीके से मैं इसी वीडियो में आपको बताती हूँ। उससे पहले वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी मजीद बहुत हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। और दोबारा से 2024 का एक नया मेथड आया है, वो भी जल्द ही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और अगर आपसे आपका व्हाट्सएप का अकाउंट नहीं बन रहा तो कुछ इस तरह से हम अपील करते हैं कि आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो आप हमसे सर्विस भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके खुद के नंबर पर ओटीपी आ जाएगा और अकाउंट आपका जो है व्हाट्सएप का बन जाएगा। और आपने करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगी। यहाँ पे सेटिंग पे आपने आ जाना है, सेटिंग पे आपने सर्च कर लेना है व्हाट्सएप, या तो नीचे ही आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा। ओटीपी आपके पास इसलिए नहीं आ रहा होता, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पे कुछ जो नोटिफिकेशन होती है वहाँ पे ऑफ होती है, उनको आपने ऑन कर देना है, तभी आपके पास जो है वो उनका ओटीपी आ पाता है। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन लिखा है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और नीचे लिखा है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सेटिंग्स ब्लू कलर में, इसको हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें शो नोटिफिकेशन ऑफ है तो भी हमारे पास कोड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखें उसको हमने ऑन लाजमी कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दोबारा से आपने अपने व्हाट्सएप पे जाना है और वहां पे देखें यहाँ पे डिड नॉट रिसीव अ वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर लेना है। अगर ये वेरिफिकेशन ये सेटिंग्स आपकी नहीं हुई हुई तो यहाँ पे देखें रीसेंड कॉल करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो आपके पास ओटीपी आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपके पास नहीं आता तो आपने उनको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, जिससे आपका यहाँ पे देखें वी कुड नॉट सेंड एन SMS टू योर नंबर, प्लीज चेक योर नंबर एंड ट्राई अगेन इन 1 आवर। वो कह रहे हैं एक घंटे के बाद ट्राई करें, पर एक घंटे के बाद भी बार बार भी ट्राई करते हैं तो हमारा जो है वो ओटीपी हमारे नंबर पे नहीं आता। तो इसका एक ही हल है, इसका आपको अपील करनी है। अपील आपने बहुत तरीके से यूट्यूब पे देखी होगी, पर ये एक कामयाब अपील है। इसी तरीके से आपने अपील करनी है, मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि आपने अपील किस तरह से करनी है। फुल तो ये एक कामयाब अपील है, आपने लाजमी इसी तरीके से अपील करनी है। यहाँ पे एडिट वीडियो एडिट नंबर पे आपने जाना है और यहाँ पे 3 डॉट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लिखा है हेल्प, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपकी अपील स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग ये अपील कर लेते हैं पर उनकी एक्सेप्ट नहीं हो पाती और उनका अकाउंट में ओटीपी नहीं आ पाता। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। पहले तो यहाँ पर देखें उन्होंने लिखा हुआ है नंबर 1 पे यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट्सअप। आपने लाजमी व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन, यानी अगर आपका व्हाट्सएप अपडेट नहीं है तो आपने लाजमी उसको अपडेट करना है। और बाकी भी यहाँ पे मिस्टेक्स लिखी हुई हैं जो हम कर जाते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको अपील करना सिखाती हूँ कि आपने ये कामयाब अपील किस तरह से करनी है। मैंने भी अपना ओटीपी इसी तरीके से रिकवर किया था और मुझे मेरा ओटीपी मिल गया था, तो मैं लाइव तरीके से आपको ओटीपी भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आता है। तो यहाँ पे देखें नीचे सबसे पहले आपने आ जाना है, नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखें यहाँ पे फेसबुक के ऊपर यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने करनी है वही वाली कामयाब अपील जो मैंने की थी, जो जो मैं लिखूंगी वही आपने लिखना है। और यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने ऊपर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेंजर सपोर्ट, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देखें एक फॉर्म हमारे पास खुल जाएगा। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज देखी है, किसी ने भी ये वाला मेथड इस तरीके से नहीं बताया। बहुत सारे लोगों ने ये फॉर्म भी फिल कर लिया है, सबमिट भी कर लिया है, फिर भी उनके पास ओटीपी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ही कामयाब तरीके से अपील जो मैंने की थी, जो वर्ड्स मैंने लिखे थे और किस तरह से मैंने वो की थी, को कौन कौन सी टिप्स मैंने फॉलो की थी, वो सारी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से सबसे पहले आपने कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेना है और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोग कौन सी मिस्टेक कर जाते हैं और जिनकी वजह से उनके पास कोड नहीं आता। यहाँ पे देखें नंबर आपने अपना वही वाला टाइप कर लेना है जिसपे आप अपना व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने ईमेल भी वही वाली लॉगिन करनी है जो अभी आपने रिसेंटली यूज आप करते हो, आपके पास अभी लॉगिन हो, वही वाली आपने लाजमी ईमेल देनी है। कोई भी पुरानी
यहाँ पे जो आपके पास लॉगिन नहीं है वो आपने ईमेल नहीं देनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल दे देती हूँ और यहाँ पे देखें कंफर्म योर ईमेल पे भी यही वाली सेम ईमेल में लगा दूंगी। उसके बाद दूसरी भी एक अपील है वो भी आपने करनी है। दो तरह की मैं अपील बताऊंगी, दोनों ही आपने अपील करनी है। मैं यकीन के साथ कहती हूँ इन दो अपील से आपका जो है मसला सॉल्व हो जाएगा। और आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है हाउ डू यू यूज व्हाट्सएप, किस तरह से व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं मोबाइल, तो यहाँ पे देखें एंड्रॉयड को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेरी अपील जो है वो कामयाब अपील है। ये आपने लाजमी यही वाली अपील लिखनी है, जिस तरह से मैं जो वर्ड लिखूंगी वही वाली अपने अपील लिखनी है। और इसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखें ये वाली अपील आपने लिखनी है, हाय डियर व्हाट्सएप टीम। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या कर जाते हैं, वो ये कर जाते हैं यहाँ पे अपना नंबर नहीं देते जो व्हाट्सअप का उन्होंने बनाना होता है, और वहाँ पे यहाँ पे अपनी ईमेल भी नहीं देते दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से अपनी ईमेल आपने देनी होती है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने लिखा है हाय डियर व्हाट्सअप टीम, दिस इज माई नंबर, यही वाला नंबर जो व्हाट्सअप का जिसपे मुझे OTP नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने कुछ इंग्लिश में उनको लिखा है कि आई एम रियली इन ट्रबल, प्लीज सेंड मी 6-digit code। तो इस तरह से आपने अपील करनी है। और उसके बाद भी कुछ आपने टिप्स फॉलो करनी है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरी अपील यहाँ पे मैंने लिख ली है, हाय डियर व्हाट्सएप टीम, दिस इज माय नंबर, आई एम रियली इन बैड सिचुएशन, प्लीज सेंड मी 6-digit codes, आई विल बी थैंकफुल टू यू। उसके बाद आपने व्हाट्सअप टीम को रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ प्लीज़ वगैरह लिख लेना है। और अगर आपने इमोजी लगाना है तो यहाँ से इमोजी भी सैड का कुछ लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी अपील एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपके पास 6-digit code वो भेज देते हैं और आपका अकाउंट जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर मैं सैड अपना इमोजी सेलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने रोने वाला इमोजी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे ये अपील करने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देना है। दो तरह की अपील बताऊंगी, दोनों ही तरीके से आपने अपील करनी है। उसके बाद अगर आपको फर्दर क्वेश्चन भी उनसे करने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे मुझे कोई भी फर्दर क्वेश्चन नहीं करना, तो मैं यहाँ पे सिंपली सेंड क्वेश्चन पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है ग्रीन कलर में उसको मैं क्लिक कर लूंगी। तो यहाँ पे सेंड क्वेश्चन पे जैसे ही मैं क्लिक कर लूंगी मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि थैंक योर क्वेश्चन हैज़ बीन सेंड, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बैक टू योर ईमेल इन अप टू 3 days। तो कह रहे हैं कि 3 days के बाद हम अगेन आपको ईमेल करेंगे, पर 3 days बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं 3 दिन से पहले पहले आपको जो है वो करना सिखाऊंगी। तो आपने पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से आपने व्हाट्सअप को ज़रूर अपडेट कर देना है। यहाँ पे देखिए मेरा व्हाट्सअप अपडेट नहीं हुआ हुआ, तो आपने इसको क्लिक करके लाजमी इसको अपडेट कर देना है। उसके बाद आपने फर्दर एक अपील है वो भी आपने कर लेनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ वो आपने किस तरह से करनी है। उसके लिए यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप को अपडेट करके यहाँ पे व्हाट्सएप पे ही आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहीं से हम दूसरी अपनी अपील कर लेंगे। ये भी मेरी कामयाब अपील है। इस तरह से आप अपील कर लेंगे तो आपको ज़रूर जो है अपने 6-digit code मिल जाएंगे और आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर नीचे सबसे पहले यहाँ पर आपने आ जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट अ रिव्यू ब्लू कलर में, इसको आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल में आपने अपना वही वाला टाइटल लिखना है जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख लूँगी कि मेरे पास जो है व्हाट्सअप का OTP नहीं आ रहा, तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखूँगी आई एम नॉट गेटिंग माई कोड, प्लीज़ हेल्प मी, इस तरह से मैं कुछ लिख लूँगी। और यहाँ पे आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है डियर टीम, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे आपने अपना वही वाला व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर देना है जिस पे आपको OTP नहीं आ रहा। और आपने अपनी ईमेल यहाँ पे लाजमी दे देनी है, जिसकी वजह से वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको जो है अपने 6-digit code सेंड करेंगे। यहाँ पे लिखना है एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट ईमेल, और यहाँ पर मैं अपनी ईमेल भी लगा दूंगी। ये बिल्कुल ही कामयाब अपील है। मैंने इस तरीके से 3-4 व्हाट्सएप के अकाउंट अपने घर में भी बनाए हुए हैं, उनके पास भी OTP नहीं आ रहा था। तो आप ये लाजमी ट्राई करें, यही वाले वर्ड्स आपने लिखने हैं, बस आपने अपनी ईमेल और अपना अपना नंबर जो है वो आपने चेंज कर देना है। यहाँ पे आपने अपना वही नंबर देना है जिस पे आपने व्हाट्सएप का कोड मंगवाना है, व्हाट्सएप वेरीफिकेशन करनी है। मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर टेप स्टार्स पर रेट करना है। यहाँ पर अगर आप 1 star को यहाँ पर रेट करेंगे तो वो आपको
आपको जल्द ही रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सेंड पे जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे लिखा है योर निक नेम विल बी डिस्प्लेड, तो यहाँ पे कोई भी आपने अपना निक नेम दे देना है। तो यहाँ पे मैं अपना निक नेम लिख लेती हूँ जेनी, ओके जैसे ही करती हूँ तो यहाँ पे देखें व्हाट्सएप सपोर्ट वालों का मेरे पास ईमेल भी आया हुआ है, इसको भी देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखें यहाँ पे सेंड के बटन को प्रेस करते हैं तो दोबारा से हमें जो है वो नाम पूछ रहा है, तो वो वाला नेम हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो आपने दोबारा से यहाँ पे कोई और चेंज नाम करके लिख लेना है। यहाँ पे मैं दोबारा से जेनी डबल वन लिख लेती हूँ और यहाँ पे इसको सेंड कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से सेंड करूंगी मेरे पास लिखा है थैंक्स फॉर योर फीडबैक। उसके बाद यहाँ पे देखें जीमेल पे मुझे एक उनका व्हाट्सएप वालों का एक मैसेज भी आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखें व्हाट्सएप सपोर्ट की तरफ से मेरे पास मैसेज आया हुआ जिसमें उन्होंने लिखा है वी आर सॉरी वी आर एक्सपीरियंसिंग इशू विद दी रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ उन्होंने हमारे साथ सॉरी भी किया है और हमारा नंबर जो है अपने पास लिख लिया है और हमारे पास वो जो है आप 6-डिजिट कोड जो थे वो हमें सेंड करेंगे। तो अगेन हम ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा अकाउंट रिकवर होता है। यहाँ पे देखें मैं लाइव तरीके से आपको 6-डिजिट कोड दिखाऊंगी कि किस तरह से अब आएंगे। दो तरह की अपील करने के बाद यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे गई हूँ और यहाँ पे देखें एग्री एंड कंटिन्यू कर दूंगी और दोबारा से यहाँ पे खुद ही सेंड कोड हो गया और यहाँ पे देखें ये ओटीपी हमारे पास रिसीव हो चुका है। और इसको लगाने के बाद यहाँ पे देखें हमारा जो है व्हाट्सएप अकाउंट बन गया है और यहाँ पे अपना नेम वगैरह आपने लिख लेना है और यहाँ पे देखें यहाँ से जैसे ही डन करेंगे हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बन गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें।